शिक्षा ग्रहण करना हम सबका अधिकार होता है, लेकिन अगर शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़े तो सबसे निंदनीय घटना होती है। हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के फतेहपुरा पंचायत में वीडो की बिल बस्ती में शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 5 तक का विद्यालय बंद कर दिया गया। बच्चे छोटे हैं, जाने में दूर पड़ते हैं 5 किलोमीटर, और चौमासा में बरसात आती है जब नाला नंदी होती है, और जंगल में छितरा का खतरा है। तुम इतना दूर जाते हो पढ़ने फतेहपुरा, ठीक है, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे क्या तुम्हारे साथ आते हो पढ़ने के लिए सब सारे, या फिर किन लोगों ने छोड़ दिया स्कूल? 2-3 लोगों ने छोड़ा। क्यों छोड़ा उन लोगों ने? लोगों ने यहाँ से 5वीं पढ़ लिया और इस स्कूल नहीं जाते, आधे लोग रस्ते में नहीं चल पाते इतने, इसलिए स्कूल छोड़ के नाकड़ी चले गए। सुबह जाने का टाइम किया और आने का टाइम किया शाम को? जाने का 9 बजे और 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो कितनी टाइम लगता है यहाँ से स्कूल जाने में आपको? 1.5 घंटा। कितने सालों से बंद हुई और क्यों बंद हुई स्कूल? 1.5-2 साल हो गए। 32 बच्चे यहाँ पढ़ते थे, और जिस टाइम में मार साहब ने बंद कर दिया, वो आने जाने में जंगल में आते जाते वो परेशान होते, 1-2 घंटा से वो रोड पार करता है यहाँ पर पैदल जाके, और उसको परेशानी आई इसलिए हमारा स्कूल बंद करवा दिया। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारे शिक्षा विभाग की शिक्षा अधिकारी महोदय, जिनके नंबर है 0-2952-230-622 है, उन्हें फ़ोन कर इस विद्यालय की सर्वे कराकर विद्यालय पुनः शुरू करवाने के लिए दबाव बनाए, ताकि इन आदिवासी बच्चों को पढ़ाई के लिए भटकना ना पड़े। शंभुराज सवर, फतेहपुरा पंचायत से इंडिया अनट के लिए।